हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज की क्लास में। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा, जैसे कि हमने पहले भी बताया था कल, कैन यू शो मी गॉड, कि क्या आप मुझे भगवान को दिखा सकते हो। तो हमने, इससे पहले हम इस क्लास को स्टार्ट करें, हम पहले डिस्कस करेंगे कि हमने लास्ट कल की क्लास में क्या क्या डिस्कस किया था। तो हमने कल डिस्कस किया था कि भगवान नाम क्या अस्तित्व तो है कि नहीं, डज गॉड रियली एग्जिस्ट और नॉट। तो हमने भगवान के एग्जिस्ट करने के कुछ प्रूफ्स पढ़े थे, कुछ साइंटिफिक प्रूफ पढ़े थे, जिनमें से था कि हर इंसान के पास कुछ अर्ज होता है, कुछ वेग होता है किसी कार्य को करने का। इसका मतलब क्या है, वो कार्य अवेलेबल है। जैसे मान लो किसी को समोसा खाने की बहुत तीव्र इच्छा है, तो मतलब समोसा एग्जिस्ट करता है। तो ऐसे ही अगर हमारे अंदर, सबके अंदर क्या है, एक अर्ज है टू वर्शिप एनीवन, किसी ना किसी को वर्शिप करने के हमारे अंदर क्या है, एक अर्ज है। इसी वजह से कोई वर्शिपफुल डिटीज हैं जिसको हम भगवान कहते हैं। फिर हमने बताया था कि एवरी डिजाइन इम्प्लाइज डिजाइनर, कि हर डिजाइन के पीछे कोई ना कोई डिजाइनर होता है। लेकिन हम देखते हैं कि आसपास बहुत सारे ऐसे डिजाइन हैं, जैसे सीनरी हैं, पेड़ पौधे, तो किसने डिजाइन किए, तो ये सब भगवान ने डिजाइन किए। फिर हमने देखा कि हम बहुत सारे क्रिएशंस देखते हैं अपने आसपास, है ना, तो उनका क्रिएटर कौन है, वो अपने आप आ गए, बाय चांस आ गई, एक धमाका हुआ और अपने आप आ गए, नहीं, उनके पीछे कोई ना कोई क्रिएटर है, दैट इज गॉड। और आर्ट इम्प्लाइज आर्टिस्ट, कोई भी आर्ट बना रहा है उसके सामने पीछे क्या है, कोई ना कोई आर्टिस्ट है। और कंट्रोल इम्प्लाइज कंट्रोलर, हमने एग्जाम्पल पढ़ा था कि एक सैटेलाइट साइंटिस्ट ऑर्बिट में उसे स्टेब्लिश करते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या है, देर आर हंड्रेड ऑफ साइंटिस्ट फॉर मॉनिटरिंग ओनली। तो 100 साइंटिस्ट मिलकर क्या उसको मॉनिटर कर रहे हैं कि उसका वेलोसिटी सेम रहे, स्पीड, ये सारे पैरामीटर क्या है सेम रहे, ताकि वो अपनी ऑर्बिट से क्या है इधर उधर ना जा पाए और अपनी ऑर्बिट में ही स्टेब्लिश रहे। और छठा आपने पढ़ा था कि लॉ इम्प्लाइज लॉ मेकर, कि हम देखते हैं कि हम साइंस में बहुत सारे लॉज समझ देखते हैं, अपने जीवन में भी, व्यवहारिक जीवन में ही हम बहुत सारे लॉज को देखते हैं। तो वो लॉ किसने बनाए, किसी ने किसी ने वो लॉ बनाए हैं कि रेड लाइट पे क्यों रुकना है, ग्रीन पे क्यों नहीं रुकना। तो वो लॉ है कि हमें क्या है, रेड पे ही रुकना है, ग्रीन पे क्या है, सड़क को क्रॉस करना है। ऐसे ही इस प्रकृति में बहुत सारे नियम हैं जो चल रहे हैं, है ना, जैसे बहुत सारे नियम हैं कि अपने आप सीजन चेंज होते हैं, पेड़ पौधे हैं, पेड़ पे क्या है, फूल लगते हैं, फल लगते हैं, उनका समय है। तो हर चीज क्या है, उन नियमों के कानून के तहत अध्यक्षता में हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो लॉज बने हैं, नियम बने हैं, उनके पीछे भी क्या है, कोई लॉ मेकर है, दैट इज गॉड, वो भगवान ने बनाए हैं। फिर हमने डिस्कस किया कि ठीक है, भगवान एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन भगवान की डेफिनेशन क्या है। तो हमने भगवान की डेफिनेशन पढ़ी थी कि भगवान की डेफिनेशन क्या हो सकती है, कि ही इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। कोई ये कहे कि हाँ मैं हर चीज का सोर्स हूँ, तो क्या है, भगवान है। और वो हर चीज का क्या है, उसी की है, हर चीज मालिक का कौन है, वो है, और हर चीज उसके कंट्रोल में भी है, और हर चीज का परम भोक्ता भी भगवान है। तो ऐसे ऐसा कोई व्यक्ति जो क्लेम करता है ये चीज मैं हूं, तो मैं क्या है, हम उसको भगवान कह सकते हैं। और हम देखते हैं कि हर इंसान क्या है, इस भौतिक जगत में किसी न किसी से आकर्षित होता है। तो आकर्षण का उनका बेस क्या क्या होता है, या तो किसी के अंदर बहुत ज्यादा ज्ञान है, नॉलेज है, कोई बहुत ज्यादा सुंदर है, कोई बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, कोई धनवान है, तो इसी तरह उससे हम आकर्षित होते हैं। तो ऐसे ही भगवान के अंदर क्या है, 6 ऐश्वर्य हैं, और 6 ऐश्वर्य जिनके पास हों, 6 गुण, उसको हम भगवान कह सकते हैं। वो भी क्या है, कंप्लीट है, वो पूर्ण मात्रा में उनके पास है। तो ये क्या है, भगवान की परिभाषा है। बट हमने भगवान की परिभाषा पढ़ी, तो फिर भी कोई व्यक्ति ये कह सकता है कि क्या आप मुझे भगवान को दिखा सकते हो, अगर मुझे भगवान को दिखाओगे तो मैं क्या, मैं विश्वास करूँ। ठीक है, डेफिनेशन है, लेकिन मुझे दिखाओ तो सही, भगवान कहाँ है। तो आज का हमारा चर्चा का विषय है कि कैन यू शो मी गॉड, क्या आप मुझे भगवान को दिखा सकते हो। जब तक आप मुझे भगवान को नहीं दिखाओगे, मैं विश्वास नहीं करूंगा। तो एक बार क्या हुआ, एक एक फिलोसफर था, एक फिलोसफी का प्रोफेसर था एक कॉलेज में, और वो नया सेशन स्टार्ट करने वाला था। तो क्लास में गया और उसने अपने स्टूडेंट्स को बोला कि इस साल हम क्या है, बहुत अच्छा हम एंजॉय करने वाले हैं और बहुत हम फन करेंगे पढ़ने में। और जो प्रोफेसर क्या था, वो अथीस्ट था, वो नास्तिक था, वो भगवान में विश्वास नहीं करता था। तो उसने बच्चों की आंखों में आंखें डालकर एक स्टूडेंट को खड़ा किया और उससे पूछता है, डू यू बिलीव इन गॉड, क्या आप भगवान में विश्वास करते हो। तो उस बच्चे ने कहा, यस आई आई बिलीव। तो उसने पूछा, व्हाट इज द डेफिनेशन, कि उनकी परिभाषा क्या है। तो बच्चे ने बोला, ही इज अ सोर्स ऑफ एवरीथिंग, कि वो हर चीज का सोर्स है। तो प्रोफेसर ने बोला,
अगर उस सब चीज का सोर्स है, इसका मतलब क्या है, वो अच्छी चीज का भी सोर्स है और क्या है, जो बुरी चीजों का भी सोर्स वही है। और फिर सारे क्वेश्चन लिख कर लेंगे अपने आपको। तो उन्होंने बोला कि हर चीज का क्या है, वो हर चीज के सोर्स क्या है, भगवान है। भगवान की डेफिनेशन क्या है, इज अ सोर्स ऑफ एवरीथिंग। तो प्रोफेसर बोलता है कि वो क्या है, गलत चीज के भी और अच्छी चीज के भी सोर्स है। इसका मतलब क्या है, भगवान गलत है। तो फिर एक और स्टूडेंट खड़ा, एक और स्टूडेंट खड़ा हुआ एक और स्टूडेंट से उसने पूछा कि आप भगवान में विश्वास करते हो? तो दूसरे स्टूडेंट ने बोला कि यस आई बिलीव। तो उसने प्रोफेसर ने उस स्टूडेंट से पूछा कि आप क्या आप भगवान को देख सकते हो? उसने बोला नहीं। क्या आप भगवान को सुन सकते हो? नहीं। क्या आप उनको सूंघ सकते हो? नहीं। क्या आप उनको टच कर सकते हो? क्या उनको टेस्ट कर सकते हो? तो क्योंकि ये सारे हमारे एक्वायर जो ज्ञान अर्जित करने के हमारे इंद्रियां हैं, ज्ञान जिसको हम ज्ञानेन्द्रिय बोलते हैं। तो अगर हम इन पांचों इंद्रियों से किसी चीज को फील नहीं कर पा रहे, टेस्ट नहीं कर पा रहे, इसका मतलब क्या है, वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। तो प्रोफेसर ने बोला अकॉर्डिंग टू साइंस इसका मतलब क्या है, देयर इज नो गॉड। अगर हम उसको सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, इसका मतलब क्या है, कोई भगवान नाम की ऐसी कोई चीज नहीं है। उनमें से एक विद्यार्थी था तो उसको थोड़ा सा अजीब से लगा और खड़ा हुआ। तो उसने प्रोफेसर से बोला क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ? तो प्रोफेसर ने कहा हाँ ठीक है बोलिए। तो उसने बोला कि इज देयर एनी डार्कनेस, क्या ये कहीं अंधेरा है? तो बोला कि हाँ है। नहीं सर, उसने बोला, बच्चे ने बोला नहीं सर, डार्कनेस क्या है कि जहां पे प्रकाश नहीं है, जहां पे लाइट नहीं है, उसका विपरीत क्या है, डार्कनेस है। जहां से मतलब लाइट की अब्सेंस क्या है, डार्कनेस है। डार्कनेस अलग से एग्जिस्ट नहीं करती। ऐसे ही देयर इज नो इविल, ऐसी कोई बुराई चीज नहीं है, लेकिन जहां पे अच्छाई नहीं है वहां पे बुराई अपने आप आ जाती है। तो जहां से हम भगवान को हटाते हैं वहां पे जो बुराई है अपने आप आ जाती है। और फिर उस स्टूडेंट ने पूछा, सभी जो जितने विद्यार्थी बैठे थे उन्होंने सबकी तरफ देखते हुए उसने पूछा कि प्रोफेसर के पास ब्रेन है, क्या आप उसको देख सकते हो? बच्चों में नहीं देख सकते। क्या आप उसको टच कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्या आप उसे सुन सकते हो? क्या उन्हें स्मेल कर सकते हो? तो बच्चों में नहीं कर सकते। तो फिर बच्चा बोला अकॉर्डिंग टू साइंस प्रोफेसर हैज नो ब्रेन, क्योंकि हम उसे देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते और टच नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि हम लोगों के पास या आप लोगों के पास ब्रेन है? हाँ, हम लोग, हमारे पास ब्रेन है। क्यों? क्योंकि हम क्या है, सोच सकते हैं। हम सोच सकते हैं, इसका मतलब क्या है, हमारे पास ब्रेन है। तो ये जो थ्योरी होती है इसको हम कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट मतलब कि बाय सीइंग द इफेक्ट कैन अंडरस्टैंड कॉज, कि हम जो इफेक्ट को दे रहे हैं उसका मतलब क्या है, उसका जो कॉज है, कारण है, वो एग्जिस्ट करता है। जैसे हम देखते हैं कि एक ही रूम, एक रूम है, उसमें क्या है, एक फैन चल रहा है, दूसरा फैन नहीं चल रहा। दूसरा फैन क्यों नहीं चल रहा? एक फैन क्यों चल रहा? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, दूसरे में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर रही। लेकिन क्या हम इलेक्ट्रिसिटी को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तो हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कैसे पता लगाते हैं? बाई सीइंग द इफेक्ट। उसका इफेक्ट क्या है कि जब हम स्विच ऑन करते हैं तो क्या इफेक्ट उसका, वो फैन मूव करता है। तो उसके इफेक्ट से हम क्या जानते हैं कि हाँ इलेक्ट्रिसिटी क्या है, उस वायर में फ्लो कर रही है तो फैन चल रहा है। और हम देखते हैं कि जो हमारी पूरी साइंस है, साइंस का जो पूरा बेस है वो क्या है, एटम। हर चीज क्या है, एटम पे कार्य करती है। हर चीज में क्या, एटम है, कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी एटम्स। एटम्स कॉम्बिनेशन क्या है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन। तो किसी ने क्या इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन को देखा है? नहीं देखा। लेकिन फिर कैसे पहचानते हैं उनको? उसके जो इफेक्ट है उसको देख के हम पता लगाते हैं कि हाँ ऐसे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन क्या है, एग्जिस्ट करते हैं। और आप में से किसी ने पपेट शो देखा है? पपेट शो क्या है कि कुछ गुड़िया ऐसा डॉल्स बनाए जाते हैं, उनको क्या है, मेक देम डांस, उनको डांस किया जाता है। तो डांस कैसे करती हैं कि उनको रस्सी के द्वारा कहीं बांधा जाता है और इनको कोई कोई क्या है, ऑपरेट कर रहा है। लेकिन हम उस जो ऑपरेट कर रहा है उसको नहीं देख पा रहे, लेकिन हमें पता है क्योंकि उसका इफेक्ट यहाँ पे हम देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, उसको कोई ना कोई ऑपरेट कर रहा है। और हम देखते हैं कभी कभी किसी ने तीर छोड़ा, शिकारी ने तीर छोड़ा किसी शिकार के लिए, लेकिन शिकारी क्या है, छिपा हुआ है, शिकारी छिपा हुआ है, वो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वो तीर हमें जाते हुए दिखाई दे रहा है बहुत स्पीड से, तीर बहुत स्पीड से दिखाई दे रहा है। तो
हम तीर को देख के पता करते हैं कि हाँ भाई तीर किसी ने छोड़ा होगा, तो हम उसके इफेक्ट को देख के क्या है उसके कॉज को बता रहे हैं कि हाँ कोई शिकारी है जिसने क्या है ये तीर छोड़ा है। तो हम इस संसार में बहुत सारे इफेक्ट्स देखते हैं। इफेक्ट्स क्या है कि सारी चीजें क्या है बहुत ही परफेक्ट तरीके से संसार में चल रही हैं, है ना, सारी ऋतुएं चेंज हो रही हैं, सारे महीने चल रहे हैं, है ना, प्रकृति का बिल्कुल छे। हम पेड़ में बीज बोते हैं, क्या पौधा बनता है, बीज आता है, फिर अलग हो जाता है, तो सारे नियम क्या है सब कुछ ठीक चल रहे हैं, पूरा प्लेनेटरी सिस्टम है पूरा सही तरह से मूव कर रहा है। ये इफेक्ट है, मतलब इसके पीछे कॉज क्या है, कौन इनको चला रहा है, देयर इज अ गॉड। तो इसका मतलब क्या है, कोई ना कोई गॉड है जो इसको चला रहा है। एक थे आप यूरी गागरेन को जानते हैं, ये रहे पहले व्यक्ति थे जो स्पेस में ट्रेवल किया था इन्होंने। तो जब ये स्पेस से लौट के आए तो उन्होंने एक बच्चे बच्चे ने उनसे पूछा कि आप ऊपर गए थे स्पेस में गए थे तो हैव यू सीन गॉड देयर, आपने भगवान को वहां पे देखा, तो वहां पे एक प्रीस्ट खड़े हुए थे तो उन्होंने बोला कि उन्होंने यहाँ भगवान को आज तक नहीं देखा तो वहां कैसे भगवान को देख पाएंगे। तो पहली चीज जो हमने पढ़ी डिस्कस की वो क्या है, थ्योरी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। तो कॉज एंड इफेक्ट से क्या हम पता लगा सकते हैं, देयर इज अ इफेक्ट हम देख रहे हैं, इसका मतलब कॉज क्या है, वो भगवान के द्वारा ये सारी चीजें की जा रही हैं। बट क्या एक्चुअल में हम भगवान को देख सकते हैं, तो हम देखते हैं कि अगर हम तो हमारे पास तो इतनी क्वालिटी नहीं है कि हम भगवान को डायरेक्ट देख सकें, क्योंकि भगवान बहुत बड़े व्यक्ति हैं, लेकिन अगर भगवान चाहें तो भगवान अपने आप को हमें दिखा सकते हैं। जैसे कि एक बार थे एक जिमी कार्टर थे, ही इज अ 39 प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, तो वो 39 में प्रेसिडेंट थे यूएस के। तो वो उन्होंने जब इलेक्शन लड़ाई लड़ा तो बहुत सारे व्यस्त थे तो वो ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए, लेकिन उसके बाद जब इलेक्शन जीत गए तो उसके बाद क्या बहुत सारे पेपर्स देख रहे थे और उनमें सर्च कर रहे थे कि कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो बिल्कुल यूनिक हो अलग हो। तो उन्होंने एक पेपर पढ़ा तो उसमें पेपर में देखा उन्होंने एक फोटो छपी है, उस फोटो में क्या है कि यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में क्या है कि बहुत सारे हरे कृष्ण भक्त क्या कीर्तन कर रहे हैं और वहां पे एक इंसान खड़ा हुआ है, उसने एक बैनर लिया हुआ है और बैनर पे क्या लिखा है, वोट फॉर जिमी कार्टर। तो उसको थोड़ा सा जो प्रेसिडेंट था उसको थोड़ा यूनिक लगा कि ये जो इसने जो प्रचार किया मेरा क्या है, ये बहुत ही यूनिक तरीके से किया है ना। तो अपने जो असिस्टेंट से सेक्रेटरी थे उनको बोला इनको कि उसको बुलाओ मैं कल इसके साथ लंच करूंगा, और अब उसकी बात कौन रह सकता है, तो उसने सारी जगह ऐड करवा दी सेक्रेटरी ने। तो फिर अगले दिन क्या है उस व्यक्ति को बुलाया गया और वो मिल गया, और अगले दिन उस व्यक्ति ने क्या है प्रेसिडेंट ने उसके साथ लंच किया, या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि उस व्यक्ति ने प्रेसिडेंट के साथ लंच किया। तो सोचो वो कैसे प्रेसिडेंट से मिल पाया, क्योंकि प्रेसिडेंट ने चाहा कि वो मैं उस इंसान से मिलना चाहता हूँ तो प्रेसिडेंट से वो मिल पाया, लेकिन अगर प्रेसिडेंट नहीं चाहता तो उसके लिए प्रेसिडेंट से मिलना बहुत दूर की चीज थी, बहुत बड़ी चीज थी, इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो ऐसे ही अगर हम भी कुछ भगवान के लिए कुछ ऐसा स्पेशल करते हैं, कुछ समथिंग स्पेशल, कुछ अच्छा भगवान को प्लीज करते हैं, तो फिर क्या भगवान हमें देख सकते हैं, या भगवान हमें देखेंगे तो हम भी भगवान को देख पाएंगे, तो हम भी भगवान की सेवा कर सकते हैं, ऐसा कुछ भगवान के लिए कर सकते हैं कि हम भगवान को प्रसन्न कर पाए और फिर भगवान कृपा करके हमें हमें देखें तो हम भी भगवान को उस समय देख पाए। और तीसरा है कि जैसे हम एक हार देखते हैं, जैसे हमने लास्ट क्लास में एग्जांपल लिया था कि हम एक हार देखते हैं पर्ल्स, वो किससे, मोतियों से बना होता है, तो हमें हार में क्या है खाली मोती मोती दिखाई देते हैं, जो उसका धागा है वो हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन ऐसे ही जितने भी सारे प्लैनेट्स हैं ये क्या है, एक मोतियों की तरह पिरे हुए हैं, लेकिन उनके पीछे धागे जो वो हमें दिखाई नहीं देता, वो क्या है, वो भगवान का धागा जो उनको कंट्रोल किया वो हमें दिखाई नहीं देता है। तो अनसीन कैन बी नोन फ्रॉम द सीन, जो दिखाई दे रहा है उसके द्वारा हम क्या है हम देख सकते हैं कि उसके पीछे भगवान एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन फिर भी चलो भगवान एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हम भगवान के बारे में कैसे जान सकते हैं, कोई पूछ सकता है कि चलो ठीक है भगवान को देखते, फिर भगवान के बारे में कैसे जानूं मैं। जैसे मान लो कि हमें किसी व्यक्ति के बारे में जानना है, जैसे मैंने एक लड़के को अपने पास खड़ा किया और अगर मैं आपसे पूछूं कि दिस इज अ बॉय, एक्चुअली आपको देख के बताना है इनको कि उस लड़के का नाम क्या है और वो क्या करता है, उसको देखना है खाली और देख के बताना है उसका फेवरेट मूवी स्टार कौन है, उसकी फेवरेट डिश कौन सी है, तो
तो ये सारी चीजें अगर उसको देख के क्या हम लोग बता पाएंगे, हम कुछ देखेंगे, हम देख के कुछ चीजें बता सकते हैं क्या? अगर हम सामने वाले व्यक्ति को देख रहे हैं तो उसकी हाइट बता सकते हैं, है ना, उसका कलर बता सकते हैं, लेकिन ऑक्यूपेशन, फेवरेट स्टार हम क्या गैस कर सकते हैं लेकिन बता नहीं सकते। हो सकता है वो सही भी हो सकता है वो गलत भी हो। तो अगर हम किसी व्यक्ति को देख के क्या है उससे उसके बारे में जो ज्ञान है उसको प्राप्त नहीं कर सकते, और ना ही उसके बारे में गैस करके अनुमान लगा के उसके बारे में कुछ पता लगा सकते हैं। तो अगर हमें उस व्यक्ति के बारे में कुछ पता लगाना है तो हम क्या करेंगे? बाय आस्किंग हिम और हियरिंग फ्रॉम हिम। हम दूसरों से पूछ रहे हैं उसको देख के बताओ, हम उससे डायरेक्ट पूछ सकते हैं क्या कि भाई आपका नाम क्या है? वो बताएगा था मेरा नाम ये है, दैट इज ऑथराइज, वो सही बताएगा। आप क्या करते हो, ये मेरा फेवरेट मूवी स्टार ये है, या मेरी फेवरेट डिश ये है। तो अगर हमें कुछ ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें क्या करना है, हमें उस व्यक्ति से डायरेक्ट पूछना है, तो वो व्यक्ति डायरेक्ट हमें क्या है वो ज्ञान बता सकता है। लेकिन अगर हम उसको देखेंगे या अनुमान लगाएंगे तो वो ज्ञान कैसे, वो पूर्ण नहीं होगा। जैसे हम देखते हैं, अगर किसी चीज का हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो हमारे पास तीन तरीके हैं, दे आर थ्री वेज ऑफ गेनिंग नॉलेज। किसी भी चीज के बारे में आपको ज्ञान प्राप्त करना है, पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा है अनुमान प्रमाण, तीसरा शब्द प्रमाण। पहला क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण, कि हम कुछ देखते हैं और उसका पता लगाते हैं, अच्छा ये काला है, अच्छा ये गोरा है, अच्छा ये है, तो उससे हम सारा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। और जब हम कुछ देखते हैं और हमसे पूछा जाता है उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना है तो हम क्या करेंगे, कुछ चीजें हमें दिखाई तो हम क्या गैस करते हैं, अनुमान लगाते हैं। तो दूसरा अनुमान प्रमाण, तो अनुमान भी हम लगाएंगे तो क्या है वो कुछ पॉसिबिलिटी है कि वो सही होगा, दूसरी पॉसिबिलिटी है वो गलत होगा। और तीसरा है शब्द प्रमाण, हम उससे डायरेक्ट पूछेंगे भाई आपका नाम क्या है, तो जो वो नॉलेज होगी वो क्या है, परफेक्ट होगी। तो जो प्रत्यक्ष और अनुमान से क्यों परफेक्ट नॉलेज नहीं होती वो हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण होता है सीइंग इज बिलीविंग, कि हम जो देख रहे हैं उसको क्या है विश्वास कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि हम बहुत सारी चीजें ऐसे देखते हैं लेकिन फिर भी उस पर विश्वास नहीं करते। जैसे कि हम एक छड़ को पानी में डुबाएंगे तो पानी के अंदर क्या है वो मुड़ी हुई प्रतीत होती है, लेकिन हम विश्वास नहीं करते क्योंकि छड़ क्या है सीधी है, तो हम देख रहे हैं लेकिन फिर भी विश्वास नहीं कर रहे। और एक व्यक्ति है, बहुत सारे तरह के कॉन के लेंस होते हैं, तो क्या इंसान का जो बॉडी है वो क्या ऊपर लंबा छोटा वगैरह दिखाई देता है, तो हम चीजों को देख रहे हैं लेकिन क्या है वो गलत दिखाई दे रही है हमें, वो ऐसी नहीं है वास्तव में। जैसे हम देखते हैं कि दूर हमें क्या है पृथ्वी और आकाश दोनों मिलते हुए दिखाई देते हैं लेकिन वो मिल नहीं रहे आपस में। और हम जब सड़क पर देखते हैं तो हमें क्या मिराज दिखाई देता है, पानी दिखाई देता है लेकिन वहां पर पानी नहीं है। और जो हमें देखता है आगे पटरियां क्या मिली हुई दिखाई दे रही हैं लेकिन वहां पे क्या है पटरियां मिली हुई नहीं है। और कुछ चीजें ऐसी हैं, अभी हमने डिस्कस किया, कुछ चीजें हम देखते हैं लेकिन फिर भी विश्वास नहीं करते, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें हम नहीं देखते फिर भी विश्वास करते। जैसे अगर मैं पूछूं आपने में से किसी को गांधी को देखा था, तो हम में से किसी ने गांधी जी को नहीं देखा लेकिन फिर भी हम विश्वास करते हैं कि हाँ गांधी जी थे। हम में से किसी ने समय को नहीं देखा लेकिन फिर भी विश्वास करते हैं। अगर हम में से कोई यूएस नहीं गया तो भी हम विश्वास करते हैं कि हाँ यूएस एग्जिस्ट करता है। हम में से किसी ने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को नहीं देखा लेकिन फिर विश्वास करते हैं। एक आई आई होता है, आई इजिकल टू माइनस वन, आई इजिकल टू मैन आई स्क्वायर इजिकल टू माइनस वन, इमेजिनरी नंबर होता है, तो वो इमेजिनरी है, उसने किसी को देखा नहीं लेकिन फिर भी हम क्या है उस पर विश्वास कर रहे हैं। तो हमारी जो इंद्रियां हैं वो ऐसी क्यों है, हमें ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है? कुछ चीजें हमें ऐसी दिखाई दे रही है फिर विश्वास नहीं कर रहे, और कुछ चीजें हमें नहीं दिखाई दे फिर विश्वास कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? हमारी क्यों होता है? क्योंकि हमारे अंदर क्या है चार डिफेक्ट्स हैं, इसी वजह से हम चीजों को एज इट इज नहीं देख पाते। वो चार डिफेक्ट्स क्या है कि हमारे पास इम्परफेक्ट सेंसेस हैं और इसी वजह से हम क्या भ्रमित हो जाते हैं, और हमारे अंदर टेंडेंसी कमेंट, हम क्या है गलतियां करने की हमारे अंदर प्रवृत्ति है और हमारे अंदर धोखा देने की भी प्रवृत्ति है। हमारे क्या है इम्परफेक्ट सेंसेस हैं क्योंकि हमारी जो आंखों की एक लिमिट है उससे ज्यादा दूर नहीं देख सकते, उससे कम नहीं देख सकते। हमारे कानों की एक लिमिट है उससे ज्यादा दूर नहीं देख सकते, उससे कम नहीं देख सकते। तो हमारे जो सेंसेस हैं वो क्या है इम्परफेक्ट है, और इन्हीं इम्परफेक्ट सेंसेस के कारण क्या है हम बहुत ही ज्यादा भ्रमित हो जाते हैं। जैसे मान लो कि आप संतरा खा रहे हो किसके, शुगर खाने के बाद, तो वो कैसा लगेगा आपको? संतरा खा रहे हो आफ्टर शुगर तो आपको खट्टा लगेगा, लेकिन ऑरेंज आफ्टर लेमन खाओगे तो क्या है वो आपको स्वीट लगेगा। ऐसे ही आप अगर गर्म हाथ से पानी टच करोगे तो वो ठंडा लगेगा, अगर ठंडे हाथ से पानी टच करोगे तो वो आपको गर्म लगेगा, लेकिन पानी वो सेम है। ऐसे ही हम आसपास बहुत सारी ऐसी चीजें देखते हैं, तो आप आपको बहुत सारी, अभी मैं कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगा तो आप उन पिक्चर्स को देख के बता सकते हो आपको क्या दिखाई दे रहा है। जैसे जो पहला फिगर है तो उसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको, है ना, जब हम देखते हैं तो उसमें हमें क्या एक ट्रायंगल दिखाई देता है, लेकिन वहां पर ट्रायंगल नहीं है। वो तीन सर्कल को ऐसे डिजाइन किया गया कि हमें एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, बट देयर इज नो ट्रायंगल।
और जो दूसरा फिगर है उसमें क्या है, दो पिक्चर छिपी हुई है। पहला पिक्चर क्या है कि दो जब यंग पर्सन है, एक क्या है गिटार बजा रहा है और दूसरा उसको सुन रहा है, और दूसरी पिक्चर क्या है कि एक ओल्ड वुमेन है और ओल्ड क्या है एक मैन है। और ऐसे तीसरी फिगर हम देख रहे हैं तो ये भी भ्रमित करने वाले, इसमें भी क्या है दो हैं, एक यंग लेडी है और एक ओल्ड लेडी है। तो आप फोटो खींच के दे सकते हैं, बाद में गौर करके इसको देख सकते हैं। और ये क्या है, इसमें क्या है तीन गार्ड खड़े हुए हैं, इनकी हाइट सेम है, अलग अलग है, इनकी हाइट क्या है सेम है, लेकिन वो इस डिजाइन से खड़े हुए हैं, क्या है वो इनकी हाइट क्या है हमें डिफरेंट लग रही है। जब हम इसकी तरफ देखते हैं तो ये क्या मूविंग दिखाई देते हैं, बट ये मूव कर रहा है लेकिन ये मूव नहीं कर रहा, और ये सर्कल है। तो आप इसको ध्यान से देखिए, बीच में एक पॉइंट है इसमें, तो पॉइंट में आप आंख अपनी आंखों को बिल्कुल पॉइंट की तरफ करेंगे और अपने सिर को आगे पीछे घुमाएंगे, हैं पॉइंट को बिल्कुल आंखों के सामने रखेंगे और सर को आगे पीछे करेंगे, तो क्या है उस सर्कल क्या मूव दिखाई दे रहा है कि सर्कल क्या मूव कर रहे हैं, बट सर्कल कोई मूव नहीं कर रहा है। ऐसे हम यहाँ इस सर्कल में देखेंगे तो ये इधर उधर देखेंगे तो क्या ये सर्कल भी मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट वो सर्कल क्या है मूव नहीं कर रहे थे। और एक वीडियो में आप इसको ध्यान से देखिए कैसे हम भ्रमित होते हैं। तो हमारे पास क्या है इम्परफेक्ट सेंसेस हैं पहला, इसी वजह से क्या है हम चीजों को एज इट नहीं देख पाते और उससे हम क्या है भ्रमित हो जाते हैं। और जब हम भ्रमित होते हैं तो क्या है हम गलतियां भी करते हैं, हर इंसान इसमें क्या है गलतियां करता है, एरर इज अ ह्यूमन के एक प्रवृत्ति है कि ह्यूमन बींग की क्या है गलतियां करना, वो हमेशा कुछ कुछ गलतियां करता है। ऐसा कोई इंसान नहीं है कोई कहे नहीं मैं जीवन में कोई गलती की नहीं है। हम एग्जाम हॉल में जाते हैं तो क्या होता है तुरंत वहां से बाहर निकलते हैं और कहते हैं कि बस थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। हम हर जीवन में क्या है बहुत सारी गलतियां करते हैं, कभी कभी इतनी बड़ी गलतियां करते हैं ब्लंडर करते हैं कि वो एक बहुत बड़ा डिजास्टर बहुत बड़ा खतरनाक उसका कारण बनता है। और जब हम गलतियां करते हैं तो उनको क्या हम छुपाते हैं, तो हमारे अंदर क्या चीटिंग प्रोपेंसिटी भी है, लोगों को धोखा देने की प्रवृत्ति है। हम जब हम स्कूल में पढ़ते थे 12th वगैरह में तो हम क्या है जब हम लेबोरेटरी में रीडिंग्स लेते हैं तो रीडिंग कुछ और आती है, लेकिन क्या रीडिंग कुछ और लिखते हैं क्योंकि हमें जो वैल्यू लानी है वो सेम लानी आती है। हम एग्जामिनेशन में क्या है धोखा देते हैं, इतने सारे स्कैम्स होते हैं हाथ पे लिख के ले जाते हैं, तो ये जो प्रवृत्ति है हमारे अंदर क्या है पहले से ही है कि लोगों को धोखा देने की प्रवृत्ति हमारे अंदर है, इसी वजह से हम क्या धोखा देते हैं। तो हमारे अंदर टोटल कुल मिला के हमने डिस्कस किया हमारे अंदर 4 डिफेक्ट्स हैं, इसी वजह से हम क्या चीजों को एज इट इज जो नहीं देख पाते। और तो 4 डिफेक्ट्स क्या है हम फिर से रिवाइज करेंगे उनको। हमारे पास इम्परफेक्ट सेंसेस हैं जो हमें भ्रमित करते हैं चीजों को देखने के लिए, और जब भ्रमित होते हैं तो हम क्या गलतियां करते हैं एज इट इज नहीं देख पाते चीजों को, और जब हम गलतियां करते हैं उन गलतियों को छिपाने के लिए हम क्या है लोगों को धोखा देते हैं। तो पहला जो ज्ञान प्राप्त करने का तरीका है प्रत्यक्ष प्रमाण, तो उससे क्या होता है उससे जो नॉलेज प्राप्त होगी वो क्या है इनकम्प्लीट होगी हमें, क्योंकि हमारे पास इतने सारे डिफेक्ट्स हैं। और किसी को आप देख भी रहे हो तो क्या है आप क्या क्या कुछ खाली उसकी देख सकते हो, जैसे लड़के के बारे में आप क्या जान सकते हो कि उसकी हाइट देख सकते हो उसका कलर देख सकते हो, लेकिन उसके बारे में अगर पता करना है तो क्या होगा आपको पूछना पड़ेगा। तो ऐसे ही अगर मान लो कि हम खाली देख के पढ़, बट भगवान तो हमारे सामने प्रेजेंट भी नहीं है ना, भगवान तो हमारे से हमारे सामने है भी नहीं एक्चुअली, तो हम तो उनको देख भी नहीं सकते। तो और दूसरा है अनुमान प्रमाण कि जब आप उसी चीजों को कुछ देखते हो कुछ सुनते हो तब क्या है आप कुछ गैस करते हो, अच्छा ये आवाज इसकी है अच्छा ये मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, तो आप गैस करते हो। जैसे मान लो एक बार क्या हुआ एक व्यक्ति था तो वो एक मार्केट में एक शॉप के पास से गुजर रहा था, तो अंदर से आवाज आती है बेटा कल मैंने तुझे हाथ काटना सिखाया था आज मैं तुझे गला काटना सिखाऊंगा। तो व्यक्ति बिल्कुल डर जाता है और तुरंत भागा भागा कहाँ पुलिस स्टेशन जाता है और वहां पुलिस को कंप्लेन करता है कि वहां पे ऐसे ऐसे हो रहा है, तो पुलिस को लेके आता है तो शटर को खोला जाता है तो देखता है अंदर क्या है टेलर था, तो टेलर अपने बच्चे को सिखा रहा था कि मैंने कल आपको हाथ काटना सिखाया था आज मैं क्या है गला काटना सिखाऊंगा। तो हम क्या है सुनने से कुछ चीजों को क्या है हम गैस करते हैं देखने से जज करने से, लेकिन वो क्या होता है वो कुछ और ही निकलता है। तो गैस हो सकता है कई 1% ठीक भी हो जाए लेकिन 99% क्या है वो गलत ही होगा। तो अनुमान प्रमाण से भी कब देखते हैं जब चीजों को कुछ देखते हैं तब कुछ अनुमान लगाते हैं, लेकिन अनुमान लगा भी क्या है
जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो क्या बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो सकता। ऐसे ही जब हमने भगवान, हम तो देख के कुछ अनुमान लगाते हैं यहाँ पे, लेकिन हमने भगवान को तो देखा भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम बेवकूफ हैं कि बिना देखे भगवान को कुछ अनुमान लगाते हैं, नहीं भगवान ये है तो भगवान वो है एक्चुअली। तो हम कुछ वैसे अननेसरी चीजें क्या भगवान के बारे में कहते हैं जो हमको पता भी नहीं है। तो हम भगवान के बारे में कैसे पता लगा सकते हैं? तीसरा क्या है? शब्द प्रमाण। कि जैसे हमने बच्चे के किसने किया, बॉय के किसने किया, हमने उसे पूछा कि आपका नाम क्या है, तो वो सब कुछ बता सकते हैं। तो शब्द प्रमाण क्या है? आस्क हिम डायरेक्टली, कि आप उससे पूछियो कि आप कौन हो ऐसी। तो अगर हम भी भगवान के बारे में जानना चाहते हैं तो क्या है, हम किससे पूछेंगे? हमें क्या है, किसी भी टॉम डिक हैरी से पूछेंगे या एरे गेरे थू गेरे किससे ही पूछ लेंगे, तो क्या बताएगा? वो सब ऐसे ही बताएगा। तो क्या है, नो, हम क्या है, हम भगवान से डायरेक्ट पूछेंगे। जो व्यक्ति जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं, वो सेम पर्सन क्या है, हमें उसके बारे में परफेक्ट नॉलेज दे सकता है। क्योंकि जिसके बारे में जानना चाहते हैं वही परफेक्ट पर्सन है, तो उससे हमें क्या है, जो परफेक्ट नॉलेज या ज्ञान है वो हमें मिल सकता है। लेकिन फिर से एक बड़ी मेजर प्रॉब्लम क्या है कि कैसे भगवान हमें बताएंगे, हम तो भगवान को देख नहीं पाते। तो भगवान कहाँ पे है, हम तो भगवान को देख, तो फिर से हमारे सामने एक मेजर प्रॉब्लम है कि भगवान तो है ही नहीं एक्चुअली, है ना, तो हम देख नहीं सकते, उनसे मिल नहीं सकते, तो हम भगवान से कैसे पूछेंगे और कैसे फिर हम तो पता ही लगा सकते एक्चुअली। तो हमें तो पता नहीं भगवान का एड्रेस क्या है, भगवान का नाम है, कहाँ रहते हैं, तो वहां जाके पूछ लें एक्चुअली। इसीलिए तो जो भगवान के, जैसे मान लो किसी व्यक्ति से आप नहीं मिल सकते या वो कोई व्यक्ति नहीं है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि उस व्यक्ति ने अपने बारे में कुछ लिखा है, किसी बुक में अपने बारे में लिखा है, तो हम उस बुक को पढ़ के क्या उस व्यक्ति के बारे में पता लगा सकते हैं। तो ऐसे ही नॉलेज दैट गॉड स्पीक्स अबाउट हिमसेल्फ, दैट इज ऑल्सो शब्द प्रमाण। कि भगवान जो अपने बारे में जिन बुक्स में बताते हैं, जो ज्ञान देते हैं, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, उनसे हम पढ़ेंगे तो उसको पढ़ के हम क्या है अपने बारे में पता लगा सकते हैं। तो जब भगवान अपने बारे में बोलते हैं, तो जो भगवान के शब्द हैं उसको भी हम क्या है शब्द प्रमाण कह सकते हैं। कि उनके जो शब्द हैं उससे क्या है हम भगवान के बारे में पता लगा सकते हैं। जैसे कि पर्सन अवेलेबल नहीं है तो हम कैसे पता लगाएंगे उसके बारे में नॉलेज, कि जो उसने अपनी बुक्स में लिखा है अपने बारे में, और उस बुक्स को पढ़ के क्या है हम उसके बारे में पता लगा सकते हैं कि हाँ ये व्यक्ति ऐसा था, इसका नाम ये था, यहाँ पैदा हुआ था, इसके कार्य ये हैं, और इसको हम देख देख सकते हैं, इसके इसकी दिनचर्या ये थी, ये देखने में ऐसा था, इसकी हाइट ऐसी थी, ये कपड़े ऐसे हैं, इसके कार्य ऐसे हैं। कैसे हम उसके बारे में पढ़ के उसके बारे में पता लगा सकते हैं। तो भगवान के बारे में कहाँ लिखा है, भगवान ने अपने बारे में कहाँ पे लिखा है? तो भगवान ने अपने बारे में लिखा है जो शास्त्र है, जो वेदाज हैं, जो हमारे श्रीमद् भागवत हैं, उपनिषद हैं, उसमें क्या है भगवान के बारे में लिखा है। तो अगर हमें भगवान के बारे में ज्ञान चाहिए, हमें चाहिए, हम भगवान से बात करना चाहते हैं, भगवान के बारे में ज्ञान लेना चाहते हैं, हम उनसे मिलना चाहते हैं, तो जो भगवान ने खुद बोले हैं, खुद लिखे हैं शास्त्र, जो वेदाद हैं शास्त्र, उनके बारे में हम पढ़ के उनको क्या है भगवान के बारे में इजीली पता लगा सकते हैं। लेकिन फिर से हमारे मन में वही क्वेश्चन आता है कि जो शास्त्र हैं क्या वास्तव में वो भगवान की वाणी है, क्या शास्त्र जो है भगवान की वाणी वास्तव में? तो हम शास्त्रों में कैसे फेथ करें कि शास्त्रों में जो लिखा है वो सही है? गलत भी तो हो सकता है, किसने लिखा, कैसे कह सकते हैं? तो ये हमारा क्या है कल का डिस्कशन होगा कि इज स्क्रिप्चर वर्ड ऑफ गॉड, क्या शास्त्र भगवान की वाणी है, हम उन्हें कैसे विश्वास करें और तो कैसे वो हमें भगवान के बारे में बताएंगे। तो आज हमने समरी क्या क्या पढ़ा, हमने जाना कि हम भगवान को क्यों नहीं देख सकते, कि हम भगवान को कैसे देख सकते हैं, बाई कॉज एंड इफेक्ट। जैसे हम बहुत सारी चीजों को नहीं देखते, लेकिन उसका जो इफेक्ट है उसके द्वारा हम भगवान बहुत सारी चीजों को देखते हैं। जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी को नहीं देखते, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट क्या है, फैन मूव कर रहा है, उसके हम इफेक्ट के कारण उस कॉज को पहचान रहे हैं। जैसे हम पपेट्स को देखते हैं, तो पपेट से क्या है, एक इफेक्ट है, उसका कॉज कौन है, जो उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, पपेटियर है, तो उसको हम जानते हैं कि वो एग्जिस्ट करता है, व्यक्ति है, वो इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। और दूसरा है प्लीजिंग गॉड, कि चलो हम तो भगवान को नहीं देख पा रहे, लेकिन अगर भगवान चाहें तो भगवान तो ही इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, वो तो उनके पास सब कुछ है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर भगवान चाहें तो क्या मुझे मुझे अपने आप वो अपने आप को मेरे सामने प्रकट कर सकते हैं, अगर भगवान चाहें तो वो मुझे दिखा सकते हैं, तो क्यों दिखाएंगे वो? जैसे हमने एक प्रेसिडेंट की स्टोरी सुनी कि अगर हम उस व्यक्ति को खुश करेंगे तो वो क्या है अपने आप को हमारे सामने प्रकट करेगा। तो ऐसे ही अगर हम भी भगवान को खुश करते हैं, भगवान को प्लीज करते हैं, तो हम भगवान हम अब हमारे सामने प्रकट होंगे, हम भी भगवान को देख सकते हैं, भगवान भी हमको देख सकते हैं। और तीसरा हमने पढ़ा अनसीन कैन बी नोन बाय द सीन। जैसे हमने एक हार का एग्जाम्पल पढ़ा कि हार में क्या होता है कि मोती मोती दिखाई देते हैं, लेकिन उसके पीछे अनसीन जो चीज है वो क्या है, धागा। लेकिन जो हमें मोतियां दिखाई दे रहे हैं उससे हम पता लगा सकते हैं कि मोतियों को पिरोने वाला एक धागा है। तो ऐसे ही इतना प्लेनेटरी सिस्टम इतने बिल्कुल मूव कर रहे हैं अपने हिसाब से, इतने सारे नियम चल रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है कि
उनके पिरोने वाला एक धागा, मतलब धागा रूपी क्या है, वो भगवान है। तो जो चीज हमें दिखाई दे रहा है उनके बिहाफ पे हम देख सकते हैं कि भगवान, उनके पता लगा सकते हैं, हाँ भगवान उसको देख सकते हैं। तो फिर हमने पढ़ा कि फिर हम भगवान के बारे में कैसे जान सकते हैं, हमारे पास कोई उपाय है? तो हाँ, हमारे पास किसी भी चीज के बारे में प्राप्त करने के क्या है, तीन प्रमाण है। क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण, शब्द अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है कि हम जिन चीजों को देखते हैं और पता लगाते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण जो हम देखते हैं वो परफेक्ट नॉलेज नहीं होती, क्योंकि हमारे अंदर क्या है, चार डिफेक्ट्स हैं। चार डिफेक्ट्स क्या क्या हैं कि हमारे इम्परफेक्ट सेंसेज हैं, हमारे इंद्रिया अपूर्ण हैं, और हम बहुत ही जल्दी भ्रमित हो जाते हैं, और हमारे अंदर गलतियां करने की प्रवृत्ति है, और हमारे अंदर धोखा देने की प्रवृत्ति है। इसी वजह से जो हम प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण से जो नॉलेज गेन करेंगे वो क्या है, इनकम्प्लीट होगी। तो फिर क्या उपाय है? उपाय है शब्द प्रमाण। कि शब्द प्रमाण मतलब कि जिस जिस चीज के बारे में जानकारी चाहिए हम उस व्यक्ति से डायरेक्ट पूछेंगे तो अपने बारे में बता सकता है। तो हम भगवान से डायरेक्ट पूछ के पूछ सकते हैं, लेकिन हमें भगवान का नहीं पता कहाँ रहते हैं, हम कैसे मिले, कैसे बात करें उनसे। तो जो भगवान की वाणी है, जो भगवान ने अपने बारे में क्या है, शास्त्रों में भी लिखा है, तो अगर हम शास्त्रों को पढ़ेंगे तो क्या होगा, हम भगवान के बारे में जान सकते हैं, क्योंकि शास्त्र क्या है, भगवान की वाणी है, और भगवान की वाणी मतलब देता शब्द प्रमाण। तो फिर हमारे मन में फिर से प्रश्न आता है कि शास्त्रों में जो लिखा है वो सही है क्या, तो हम शास्त्रों में क्यों विश्वास करें, क्या वो वास्तव में भगवान की वाणी है? तो ये हम कल डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो कल की चर्चा का विषय होगा कि भगवान में हम कैसे, भगवान की जो वाणी है शास्त्र, उसमें कैसे विश्वास करें, कैसे वो आज भी उतने ही प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो ये हमारा आज का कुछ था। आप